ये लो भैया। निर्भय तो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इतनी बड़ी याद आ रही थी यार। बताना। अरे प्रसाद देने आया हूँ, पापा लेके आए थे वैष्णो देवी से। अब अकेले अकेले खाता तो डाइजेस्ट नहीं होता, तो सोचा माता रानी का आशीर्वाद तुझे भी दे दूं। चल मैं ओ चन्ना लेडी शेडी को चलते हैं। अरे कोई देख लेगा यार। अच्छा चल ठीक है जा। ओए आराम ना। अरे रोशनी जी। हाँ। ये ले जी आपकी बुक्स की सारी सेट। पर मेरी आखिरी इंस्टॉलमेंट तो बाकी है। कल किसी ने ऑनलाइन आपकी सारी फीस भर दी। भर दी? किसने? अरे वो नहीं पता, पर जिसने भी भरी उसने एक मैसेज डाला था कि ये बुक्स आपको दे दें। तुझको पहले बताना क्यों किया ऐसा। यार ये गवर्नमेंट जॉब तेरा सपना है और तेरी घर की लेडीज कितना स्ट्रगल कर रही है इसको लेके, तो थोड़े बहुत एफर्ट मैंने भी डाल दिए तो क्या हो गया? आखिर मैं भी तो तेरा कुछ लगता हूँ। हाँ लेकिन तेरी भी तो अपनी प्रॉब्लम्स है ना। ओ यार तू फिर टेंशन ले रही है, तू मजे कर, चिल कर, बाकी सब डिलन संभाल लेगा। ठीक है, पर ये उधार रहा? इस उधार को उतारने का तरीका है मेरे पास। ओ ध्यान लगा कर पढ़ियो। थैंक यू चाचा। वेलकम। चाचा मैं ये एप्लीकेशन लिख रही हूँ लेडीज वॉशरूम के लिए। मानव सर ने कहा कि अगर एप्लीकेशन मेरी ओर से जाएंगी तो अरेंजमेंट्स जल्दी हो जाएंगे। आई होप वो भी यहाँ जल्दी से बन जाए। आप प्लीज ये मानव सर को दे देंगे? जी बिल्कुल। आपको तरुण सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। मुझे? हाँ आपको। कम इन। सर आपने बुलाया? मिस चांदनी चोपड़ा कल रात आप कहाँ थी? कल रात सर घर पर थी। अपनी नाइट शिफ्ट छोड़कर आप घर पर क्या कर रही थी? नाइट शिफ्ट? सर मैंने चेक क्या खाक चेक करके गई थी? ये क्या लिखा है इसमें? कल तुम्हारी नाइट शिफ्ट थी ना? पर सर मैंने कल चेक किया था, कल नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे। ओह तो शायद मैंने लिख दिया होगा, है ना? दो दिन हुए तुम्हें आए हुए और दो गलतियां कर चुकी हो। पहले ड्रिल में लेट आई और उसके बाद नाइट शिफ्ट मिस कर दी। सॉरी सर दोबारा नहीं होगा ऐसा। दोबारा ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंडरस्टूड? यस सर। जा सकती हो तुम। चांदनी चोपड़ा पार्टी करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब देखो मैं कैसे तुम्हारी इन सो कॉल्ड पार्टीज को मातम में बदलता हूं। आग बुझाने का काम करते हैं लेकिन तुम्हारी जिंदगी में आग तो मैं ही लगाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। फायर स्टेशन ज्वाइन करने के अपने इस फैसले पे तुम्हें रोना ना आया ना, मेरा नाम तरुण सचदेवा नहीं। चांदनी चोपड़ा कल की डे शिफ्ट 9 है। कैसे हो सकता है मुझसे इतनी बड़ी गलती? कैसे हो सकती है? मैंने खुद देखा था चार्ट में मेरा नाम नहीं था। क्या हुआ चांदनी, तरुण ने तुमसे कुछ कहा? नहीं सर।
तरुण गुड मॉर्निंग सर, चाय पियेंगे सर? ये क्या कर रहे हो तुम? सर चाय पी रहा हूँ। बात को घुमाने की कोशिश मत करो। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। और शट अप तरुण, कल के चार्ट में नाइट ड्यूटी के लिए चांदनी का नाम नहीं था, मैंने खुद देखा था। सर लास्ट मिनट में शिफ्ट चेंज हो गई थी, मैंने ललित को कहा भी था फोन करने के लिए, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। अच्छा जी सर, आप किसी से भी यहाँ पूछ सकते हैं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। चाय पी लेंगे सर? चाय में दूध ज्यादा है और पत्ती कम। पता है सुबह की चाय अगर खराब हो ना तो पूरा दिन खराब जाता। मैं ये बात किसे समझा रहा हूं, जिस इंसान की हरकतें ही टेढ़ी हो उसे एक सिंपल चाय की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है। मैं तुम्हारा बॉस हूं, बॉसगिरी से नहीं यारी दोस्ती में समझा रहा हूं। चांदनी यहां की एम्प्लॉय है और रहेगी, इस बात को तुम जितना जल्दी अपने दिमाग में घुसा लो ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें उससे दोस्ती नहीं करनी तो मत करो, लेकिन उससे दुश्मनी करने की कोशिश भी मत करना। सर आपको कोई गलतफहमी हो रही है, कल रात उसकी शिफ्ट थी और वो आई नहीं, तो बॉस होने के नाते मेरा फर्ज है उसे मैं वॉर्न करूं। अब मैं आपकी तरह उसे पैंपर तो नहीं कर सकता ना, ये मेरा काम नहीं है। गुड, तुम्हें अपना काम मालूम है ना, तो अपने काम की लिमिट में रहना, क्योंकि अगर उससे बाहर निकलने की कोशिश की तुमने या अपनी पावर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर चांदनी को किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश करी तो याद रखना मैं भी तुम्हारा बॉस हूं। फालतू में इतनी प्यारी चाय को गाली देके गया, दूध भी बराबर है पत्ती भी बराबर, ये किसका हुआ? मानसिंह, देवप्रीत मल्होत्रा। यस सर। दीपक अरोरा। यस सर। चांदनी चोपड़ा। यस सर। थैंक यू बेटा। पापा देखो मैं इस यूनिफॉर्म के लायक बन गई, काश आप यहां होते तो कितना प्राउड फील करते ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।